नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं आज की खास बड़ी खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार शनिवार को एक बार फिर से पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होनी है। जदयू की तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री 14 अप्रैल को भी पार्टी कार्यालय से वर्चुअल संवाद कर चुके हैं। मुख्यमंत्री के साथ आज भी पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। बिहार में 40 में से 9 सीटों पर चुनाव हो चुका है, इसमें से जदयू के 5 सीट है। तीसरे चरण की तैयारी हो रही है। तीसरे चरण में भी बिहार में 5 लोकसभा सीट मधेपुरा, अररिया, सुपौल, झंझारपुर और खगड़िया में चुनाव होना है और इसमें से जदयू के 3 लोकसभा सीट मधेपुरा, झंझारपुर, सुपौल है। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल और सुपौल से दिलेश्वर कामत चुनावी मैदान में है। 2019 में भी तीनों चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। पार्टी की ओर से इन्हें फिर से मौका दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के 3 उम्मीदवार को जिताने के लिए वर्चुअल संवाद करेंगे और साथ ही अपने सहयोगी दलों बीजेपी के अररिया से तो लोजपा के खगड़िया के उम्मीदवार के लिए भी पूरी ताकत से सहयोग देने का निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री पहले चरण में केवल 4 जनसभाएं की थी, इससे दूसरे चरण में 5 सीट जदयू का था, इसलिए मधेपुरा में कैंप बनाकर 11 जनसभा की। भागलपुर सीमांचल में रोड शो भी किया। इस बार भी जदयू के 3 महत्वपूर्ण सीट है। मुख्यमंत्री कई जनसभा करेंगे और उससे पहले आज वर्चुअल संवाद भी कर रहे हैं। बिहार में लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होना है। जदयू को इस बार एनडीए में 16 सीट मिली है। भाजपा 17 सीट पर चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट और हम पार्टी से जीतन राम मांझी 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में एनडीए को 40 में से 39 सीट पर जीत मिली थी, इसलिए इस बार भी एनडीए की तरफ से 2019 के प्रदर्शन को बरकरार रखने और उसे बेहतर करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी ताकत लगा रहे हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।